नमस्कार दोस्तों, और सबसे पहले मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूं। एक कॉमन क्वेश्चन, एक कॉमन डाउट हर एक स्टूडेंट के ऊपर आ रहा था, जो कि एसएससी जेई या एसएससी सीएचएसएल कंबाइंड हाई सेकेंडरी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहा था, उनको ये डर था कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। कोरोना वायरस के चलते हुए जैसे सारी चीज़ें कैंसिल हो गई हैं, तो ये एग्ज़ाम भी कभी डिले ना हो जाए या कैंसिल ना हो जाए। तो दोस्तों, अब आपका एडमिट कार्ड आउट हो चुका है। आपका पेपर 2019 में जो आपने फॉर्म भरा था, उसका एडमिट कार्ड आ चुका है, और आप ये एडमिट कार्ड वेबसाइट www.ssc.nic.in पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने फॉर्म भरा था एसएससी जेई का 2019 में, जिसका एग्जाम 30 मार्च से लेकर 2 अप्रैल के बीच में होना था, तो इसका जो इन्होंने शेड्यूल जारी किया है, इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि जितने भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स होंगे वो टाइम पर कराने की पूरा प्रयास करेंगे कि टाइम पर एग्जाम्स हों, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज के एग्जाम है। तो एसएससी ने ये क्लियर कर दिया है कि जो आपका टाइम है 30 मार्च से 2 अप्रैल, इसके बीच में आपका एग्जाम होने वाला है। सिमिलरली एसएससी ने सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का जो एग्जाम होता है, जिसका फॉर्म आपने 2019 में भरा था, जिसका एग्जाम आपका 17 मार्च से लेके 27 मार्च के बीच में होना है, और उसका भी एडमिट कार्ड इन्होंने जारी कर दिया है, जिसका आप डाउनलोड कर सकते हैं www.ssc.nic.in। तो दोस्तों, सबसे पहले जाके आपका एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर ले। और उससे पहले जो एसएससी ने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं स्टूडेंट्स के लिए, उन्होंने कुछ एडवाइजरी जारी करी है स्टूडेंट्स के लिए, वो आप समझ लें, या आपके पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो ये समझ लें कि आपके बच्चों को ये सारी चीजें आप बता के ही पहुंचाएं। सबसे पहले एसएससी ने बोला था कि आपका बायोमेट्रिक डिवाइस पर थंब इंप्रेशन होना है, बट इन्होंने इस बार इसको चेंज कर दिया है ड्यू टू कोरोना वायरस। उन्होंने बोला है कि अब आपका थंब इंप्रेशन ही लेंगे, आपका बायोमेट्रिक वो नहीं लेंगे। तो जैसे ही आप एंटर होंगे एग्जाम सेंटर पर, तो डेस्क पर जो अटेंडेंस सीट होगी उस पर आपका सिर्फ थंब इंप्रेशन होगा, बायोमेट्रिक नहीं होगा। दूसरा जो उन्होंने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया वो ये दिया है कि आप खुद का मास्क पहनकर एग्जाम देने के लिए जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ वो आपका अटेंडेंस टाइम पर, अटेंडेंस रजिस्ट्रेशन डेस्क पर मास्क उतरवाएंगे और आपकी एक पिक लेंगे, फोटो लेंगे, वो फोटो आपकी टायर टू जो एग्जाम होगा एसएससी का, उसमें इस्तेमाल वो करेंगे वेरिफिकेशन के लिए। तो आपका मास्क पहनकर आप एग्जाम दे सकते हैं पूरे टाइम। तीसरा जो उन्होंने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया है वो ये दिया है कि यदि आप खुद का सैनिटाइजर लाना चाहते हैं एग्जाम देने के लिए, तो आप ला सकते हैं, बट उसकी पॉकेट साइज सैनिटाइजर होना चाहिए जो आपके पॉकेट में आसानी से आ जाए। चौथा जो उन्होंने बोला है कि यदि आप खुद की पानी की बोतल, वाटर बोतल लेके जाना चाहते हैं, तो वो भी आपके आप एग्जाम सेंटर पे ले जा सकते हैं, बट वो बोतल कैसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट, मतलब उसमें आर पार दिखना चाहिए, जैसे किनले की या आपकी अदर मिनरल वाटर आती है ना, ट्रांसपेरेंट, इस तरीके की वाटर बोतल ले जा सकते हैं। तीसरा जो उन्होंने नेक्स्ट जो उन्होंने बोला, वो उन्होंने बोला कि आप आपका खुद का बॉल पेन भी ले जा सकते हैं, पर अगेन वो कैसा होना चाहिए, उसका जो आउटर कवर है वो कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस उन्होंने बोले हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं एग्जाम जाने से देने से पहले। अच्छा, एसएससी ने एक और इंपॉर्टेंट एडवाइजरी दी है एग्जाम सेंटर्स को, और उन्होंने बोला है कि सारे एग्जाम सेंटर्स को प्रॉपरली सैनिटाइज कराया जाएगा, प्रॉपरली कीबोर्ड्स हो चाहे माउस हो चाहे कंप्यूटर हो, जो बैठने की जगह है वो प्रॉपर क्लीन कराई जाएगी, जिससे कोरोना का किसी भी स्टूडेंट को ऊपर प्रभाव ना पड़े और वो आसानी से अपना एग्जाम दे पाए। तो दोस्तों, आपको अब डरना नहीं है, आपको आपके एग्जाम की जो तैयारी है उसको जल्दी से रिवीजन करें और जल्दी से जल्दी आपके एग्जाम का एडमिट कार्ड डाउनलोड करें, आपका सेंटर देख ले कि कहां पे आपका पेपर देना है, आपको कहां पे देने के लिए जाना है, और आपका एग्जाम आप अच्छे से दें। तो सारे स्टूडेंट्स को नेविगेट टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट, और हमारे यूट्यूब पर आप वीडियोस देख सकते हैं, यदि आपको रिवीजन करना है, क्विक रिवीजन करना है, तो आप देख सकते हैं, एमसीक्यू भी अवेलेबल है, और यदि आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगाना चाहते हैं तो ये सब अवेलेबल है। यदि आप आगे की अपडेट भी देखना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। थैंक यू।